अटारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है जिसे वो रोज यहाँ परोसते हैं। ये बजट पर सदन पर माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला, राहुल जी बताइए। हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया, सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया, टूजी स्कैम हलवा किसने खाया, कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया, कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया, वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कैंडी एड्रेस दीजिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, सुनिए, माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय राहुल जी एलओपी, उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो इसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा इसको मैं स्पंज करता हूँ। उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब असत्य है, ठीक है, असत्य है, निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूंगा, मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूंगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाए। अच्छा, आप बैठ जाए।
आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा, बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी उनकी स्पीच खत्म, उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, गाल किस किस का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा, आपको अवसर, आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट बैठ जा, अब बैठ जा सर। एक मैं क्लैरिटी कर दूँ सर, मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए, अब मैंने एक मिनट बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अच्छा आप सब लोग बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाएं, पहले लोग बैठ जाएं, पहले बैठाइए सर, पहले सब लोग बैठ जाएं, पहले सब लोग बैठ जाएं, तब मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ करूँगा, मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाएं, मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाएं, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाएं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद, करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके, ये नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं नहीं, कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर? सर सर सर, माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, अब
लोग जाइए बिल से बात। एलओपी एलओपी प्लीज एलओपी आई एम गिविंग तो बिल से तो जाइए सर। स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप बेल खाली कर दीजिए। इतनी बरसा बरसा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया, राहुल ने कह दिया, कह दिया। अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी मैं प्लीज बोल दी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठे। राहुल स्पीकर सर बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर इस सर माइक नहीं सर माइक यहाँ से नहीं जाती सर। मैं नाम जो भी माइक आ जाएगा स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी प्लीज, राहुल गांधी जी ये तय कर लीजिए। जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर की उसको निकलवाऊंगा। ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंज करूंगा। आप भी कर रहे हैं, सुन रहा हूँ। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश सभापति महोदय मैं केवल सभापति महोदय मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी
मैंने उसको स्पंज कर दिया। श्री अनुराग ठाकुर माननीय